तो चलो फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ सारी की सारी चीजें, ठीक है। देखो फ्लेम, फ्लेम मतलब क्या होता है, बॉडी ऑफ गैस कंसिस्टिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड एयर दैट गिव हीट एंड लाइट, बराबर है। तो देखो यहाँ पे मैंने फ्लेम की डायग्राम निकाली हुई स्टूडेंट्स, फ्लेम मतलब क्या हो रहा है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, बराबर है। फ्लेम मतलब क्या हो रहा है, मिक्सचर ऑफ गैसेस जो क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, हीट एंड लाइट, जो क्या प्रोवाइड करता है, हीट एंड लाइट, बराबर है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या कैंडल का डायग्राम निकाली हुई है, और कैंडल की फ्लेम सब लोगों ने देखी हुई है, बराबर है। वो आपको क्या देती है, लाइट भी प्रोवाइड करती है, स्मॉल अमाउंट में क्या करेगी, हीट भी क्या करती है, प्रोवाइड करेगी स्टूडेंट्स, बराबर है। अब देखो ये तो था फ्लेम, सिंपल बात, अब फ्लेम समझ गई। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो कुछ जो सब्सटेंस है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए, एक लिया उड़ का, एक लिया मैंने कोल का, बराबर है। अब स्टूडेंट्स ये दोनों एग्जांपल लेने के बाद मुझे ऐसा दिखाई दिया कि जो उड है, बराबर है, वो क्या करता है, फ्लेम क्रिएट कर रहा है, और जो कोल है वो क्या कर रहा है, फ्लेम क्रिएट नहीं कर रहा, बराबर है। दोनों भी दोनों क्या है, कम्बस्टिबल सब्सटेंस है, कम्बस्टिबल मतलब वो जलने वाले सब्सटेंस है, तभी भी एक फ्लेम क्रिएट कर रहा है, दूसरा फ्लेम क्रिएट नहीं कर रहा है। तो ये क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, तो ये हो रहा है उसके कॉम्पोजिशन की वजह से। दैट मीन्स मैं कहूंगा कि जो वुड सब्सटेंस है स्टूडेंट, ये सब्सटेंस क्या करता है, जब बर्न करता है तब वो क्या करता है, वेपराइज करता है, वेपराइज होता है, बराबर है। और वेपराइज होने की वजह से क्या होता है, वहां पे फ्लेम क्या होती है, क्रिएट होती है। और जो कोल है आपका, वो कोल जो सब्सटेंस है, वो क्या होता है, बर्निंग के वक्त वेपराइज नहीं होता है, और बर्निंग के वक्त वेपराइज नहीं हुआ, दैट मीन्स क्या होगा आपका, वहां पे आपको फ्लेम क्रिएट होते हुए नहीं दिखाई देगी, बराबर है। वो आपको फ्लेम वहां पे क्रिएट होते हुए नहीं दिखाई देगी। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे कि सिंपल जो आपको फ्लेम मिलने वाली है वो डिपेंड करेगी कि आपका सब्सटेंस के ऊपर, कम्बस्टिबल सब्सटेंस के ऊपर। कम्बस्टिबल सब्सटेंस अगर आपका क्या है, बर्न होते वक्त अगर वेपराइज होगा तो आपको फ्लेम मिलेगी, अदरवाइज आपको बर्निंग के वक्त अगर आपका सब्सटेंस वेपराइज नहीं हुआ तो आपको फ्लेम नहीं मिलेगी। और हम अब पढ़ रहे हैं क्या फ्लेम, तो हम पढ़ने वाले हैं कौन सा कम्बस्टिबल सब्सटेंस, जो क्या होगा, बर्निंग होते वक्त क्या होगा, वेपराइज होगा, क्या होगा, वेपराइज होगा। तो अब हम देखेंगे कि कम्बस्टिबल सब्सटेंस जो क्या होगा, बर्निंग होगा, वेपराइज होगा जब बर्न होगा, ठीक है। तो चलो और डिटेल में देखते हैं क्या गिवन है हमें किताब में। तो देखो स्टूडेंट्स, ठीक है, उसके बाद का जो टॉपिक है स्टूडेंट, अब फ्लेम जो है, फ्लेम जो है स्टूडेंट, आप जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को दे दिया। अब स्टूडेंट्स ये जो है, हम यहाँ पे ले रहे हैं एग्जांपल किसका, कैंडल फ्लेम का, किसका, कैंडल फ्लेम का, बराबर है। हम क्या पकड़ रहे हैं, कैंडल फ्लेम का यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, किसका, कैंडल फ्लेम, यहाँ पे लिख लेते हैं कैंडल फ्लेम। सब लोगों ने कैंडल देखी ही है, ठीक है, फिर से एक बार बता रहा हूँ, कैंडल फ्लेम जो होती है स्टूडेंट वो क्या होती है, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक एक पॉइंट लिखा रहा हूँ, सोर्स ऑफ लाइट है स्टूडेंट, क्या है, लाइट का क्या है, यहाँ पे सोर्स है, बराबर है। दूसरी बात क्या है स्टूडेंट्स, ये जो है आपका क्या होता है, एक ब्लॉक की जैसा, सॉलिड ब्लॉक की जैसा आपको क्या मिलेगा, एक बैग से बना हुआ क्या मिलेगा, सब्सटेंस मिलेगा, बराबर है। बैग से बना हुआ क्या मिलेगा, सॉलिड क्या मिलेगा, एक सब्सटेंस मिलेगा, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल उसे बोलेंगे हम कैंडल, उसे क्या बोलते हैं हम, कैंडल। और उसके बीच में क्या होता है, तो विक्स होती है, बराबर है। उसके बीच में क्या होगा, आपको मिलेगी एम्बेडेड कोई, आपको विक्स मिलेगी, बराबर है। तो ये मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सिंपल। और किससे बना होता है स्टूडेंट, तो ये नेचुरली भी मतलब प्लांट वैक्स से भी बनाया जाता है, अदरवाइज अभी जो है डेली लाइफ, मतलब अभी जो डे टू डे लाइफ है, उसमें पैराफिन नाम का जो सब्सटेंस है वो यूज करके क्या किया जाता है, आपकी कैंडल को क्या किया जाता है स्टूडेंट, यहाँ पे बनाया जाता है। तो दोनों भी देखते हैं, ठीक है, क्या है कैंडल, क्या है स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉलिड क्या है, आपका ब्लॉक है, ठीक है, सॉलिड ब्लॉक ऑफ वैक्स, ठीक है। अब जो वैक्स होंगे स्टूडेंट, वैक्स जो होता है वो किसका होगा, तो प्लांट वैक्स भी हो सकता है, ठीक है, प्लांट वैक्स भी हो सकता है, अदरवाइज पैराफिन, पैराफिन भी है, और कुछ केस में पैराफिन प्लस क्या होता है, प्लास्टिक भी क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है आपका वैक्स बनाने के लिए, और उससे क्या मैन्युफैक्चर की जाती है, तो आपके कैंडल को क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये था किस तरह से होती है कैंडल, कैंडल क्या स्टूडेंट, सोर्स ऑफ लाइट है, जो क्या करती है, लाइट को क्या करती है, हमें प्रोवाइड कर रही है, क्या है, किस तरह से होती है, तो सॉलिड ब्लॉक होता है, किसका, वैक्स का बना हुआ, वैक्स यहाँ से मिलता है, तो प्लांट जो, प्लांट से क्या मिलता है, वैक्स मिलता है, और प्लांट वैक्स के नाम भी गिवन है स्टूडेंट यहाँ पे, बीस वैक्स एंड सोय, बराबर है, बीस वैक्स एंड सोय, बिक्स वैक्स मतलब होता है मोन, आपको मोन पता है, मोन का पुतला हम कहते हैं वो वाला,
और दूसरा क्या, सोया, सोया मतलब जो हमारी सोयाबीन होती है ना, उसमें एक हायर लेवल की क्या होती है, सीड्स होती है, उससे क्या होता है वैक्स बनाया जाता है, ठीक है। और पैराफिन क्या है, ये तो केमिकल सब्सटेंस ही है, और प्लास्टिक भी आपको पता ही है, ठीक है। इससे बनाई जाती है आपकी कैंडल, इससे क्या होती है, बनाई जाती है आपकी कैंडल, ठीक है। और पैराफिन और प्लास्टिक से अभी जो लाइफ में, मतलब अभी जो डे टू डे लाइफ में क्या से जेल जेल कैंडल क्या की जाती है स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चर की जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उसके बाद जो है, जब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसे क्या करते हैं लीट करते हैं। लीट मतलब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम इसे जब क्या करेंगे जलाएंगे, तो वो क्या होता है स्टूडेंट, आप क्या करोगे मैस्टिक्स लोगे। मैस्टिक जो होती है उसकी जो आपकी क्या है विक है, बराबर है। जब हम क्या कहते हैं उसे हिंदी में, कि उसमें जो जोत है, बराबर है, ये जोत होती है ना, ये जोत वाली, तो उसको जो अंदर की जो क्या होती है एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, बराबर है, तो हम उसे क्या कहते हैं मराठी में वात कहते हैं उसे, ठीक है। तो ये जो जोत होती है, बराबर है, उसे क्या करोगे आप मैस्टिक्स के सहारे क्या करोगे स्टूडेंट, जलाओगे। और जैसे ही उसे इग्निशन टेम्परेचर मिल गया, इग्निशन टेम्परेचर उससे आगे हो गया, वो क्या हो जाती है बर्न हो जाती है, वो क्या हो जाती है बर्न हो जाती है। और ये सब्सटेंस क्या होता है आपका किस तरह का है, तो जब बर्न होते वक्त वेपराइज करता है अच्छा खासा, इसीलिए वो क्या करता है फ्लेम को क्या करता है स्टूडेंट्स यहाँ पे क्रिएट करता है। अच्छी खासी फ्लेम आपको क्या होती है दिखाई देती है, जब क्या होता है आप अगर फ्लेम कैंडल को क्या करो अच्छा खासा जलाओ, बराबर है, मतलब आपने जैसे ही जला दिया तो आपका क्या हो जाता है, आपको अच्छी खासी सी फ्लेम क्या हो जाती है स्टूडेंट्स यहाँ पे मिल जाती है, बराबर है, जो क्या प्रोवाइड करती है हमें स्मॉल अमाउंट में हीट प्रोवाइड करती है और लाइट भी क्या करती है प्रोवाइड करते हैं, बराबर है। जैसे आपने देखा है हम क्या करते हैं, जब लाइट चली जाती है, लाइट ऑफ हो जाती है, तब क्या करते हैं हम जो कैंडल्स है वो क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, तो लाइट के लिए, राइट, लाइट पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टूडेंट्स ये क्या होता है, अब ये आपकी कैंडल जो है ये कब तक बर्न करेगी स्टूडेंट, जब तक क्या होगा इससे अमाउंट ऑफ, मतलब सफिशियंट अमाउंट ऑफ क्या होगा ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, तब तक क्या करेगी आपकी जो कैंडल है वो क्या होती जलेगी, कंटिन्यूअसली बर्न होती रहेगी, बराबर है, जलती रहेगी, राइट ना। ये कब तक बर्न होती रहेगी स्टूडेंट्स, जब तक आप क्या करोगे इसे सफिशियंट अमाउंट में क्या मिलेगा आपको ऑक्सीजन मिलेगा, बराबर है, तब तक वो क्या करेगी आपकी कंटिन्यूअसली क्या होती रहेगी स्टूडेंट्स यहाँ पे बर्न होती रहेगी, बराबर है। और ये क्या करती रहेगी कंटिन्यूअसली क्या करती रहेगी यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोवाइड करती रहेगी, और यहाँ का जो टेम्परेचर है, बराबर है, इसका जो टेम्परेचर है वो क्या करती रहेगी मेंटेन करती रहेगी, इसका यहाँ का जो टेम्परेचर होगा सराउंडिंग का वो टेम्परेचर मेंटेन करती रहेगी, और ये कंटिन्यूअसली क्या करती रहेगी सेल्फ कंटिन्यूअसली क्या करती रहेगी बर्न होती रहेगी। और इस कंडीशन में हमें क्या होता है स्टूडेंट, ये जो वैक्स है हमें क्या होता है पिघलते हुए नीचे आते हुए दिखता है, बराबर है। इस कंडीशन में हमें क्या होता है जो आपका सॉलिड फ्यूल है वैक्स, आपका जो सॉलिड फ्यूल है वैक्स स्टूडेंट्स, वो क्या होता है आपको बर्न होते मतलब पिघलते हुए नीचे आते हुए क्या होता है इस कंडीशन में दिखता है, क्यों, क्योंकि हीट एनर्जी क्या कर रही है वहां पे मेंटेन कर रही है, इसलिए तो ये कंटिन्यूअसली क्या होते रहे बर्नआउट होते रहे, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स कैंडल फ्लेम के बारे में, किताब में दिया हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स हमारा, कौन सा, कैंडल फ्लेम, सॉरी कैंडल फ्लेम नहीं, वेरियस जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम, ठीक है, क्या है जोन्स ऑफ, यहाँ पे स्टूडेंट्स अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। ये तो सिर्फ कैंडल फ्लेम के बारे में बताया था, जिससे क्या होता है, जिसकी हमें क्या पढ़नी है फ्लेम पढ़नी है, तो हमें आप देखना है जोन्स ऑफ फ्लेम, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है जोन्स ऑफ फ्लेम, ठीक है। देखो स्टूडेंट जोन्स ऑफ फ्लेम क्या होते हैं, ठीक है, अब ये फ्लेम आप लोगों को दिख रही है स्टूडेंट, ठीक है, ये फ्लेम यहाँ पे दिख रही है, अब फ्लेम दिख रही है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या होते हैं आपके फ्लेम के क्या होते हैं तीन जोन होते हैं, क्या होते हैं मोस्टली तीन जोन होते हैं, एक होता है आउटर जोन, एक होता है मिडल जोन जो मैंने दिखाने की कोशिश की हुई है, और जो सबसे नीचे वाला होता है जो विक के पास होता है उसे क्या बोला जाता है इनर मोस्ट जोन, उसे क्या बोला जाता है सिंपल इनर मोस्ट जोन, ठीक है। तो वन बाय वन समझते गए कि हर एक जोन में क्या होता है, किस कलर का जोन में आपको फ्लेम क्या होगी स्टूडेंट्स दिखाई देगी, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं आउटर जोन, तो बाहर वाला जोन है आपको दिख रहा है, देखो कैंडल का सबसे ऊपर पार वाला, तो यहाँ पे ले रहे हैं सबसे पहले आउटर जोन, ठीक है, बाहर वाला जो जोन है उसे क्या कर रहे हैं आउटर जोन को क्या कर रहे हैं पकड़ रहे हैं आउटर जोन को। देखो फ्रेंड्स आउटर जोन क्या होता है, ठीक है, तो आउटर जोन जो है स्टूडेंट्स इसे क्या कहा जाता है, तो नॉन ल्यूमिनस जोन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे, इसे दो नाम और होते हैं, नॉन ल्यूमिनस जोन, नॉन ल्यूमिनस जोन
और इससे दूसरा एक नॉर्म भी होता है कंप्लीट जोन, इसे दूसरा भी क्या नाम होता है कंप्लीट जोन, ठीक है, जोन ऑफ कंप्लीट भी कहा जाता है, अदरवाइज कंप्लीट जोन भी कहा जाता है, मैं लिख रहा हूँ जोन ऑफ कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट जोन भी कहा जाता है, कुछ किताबों में कंप्लीट जोन दिया हुआ है, अदरवाइज जोन ऑफ कंप्लीट। देखो आउटर जो आपका जोन है स्टूडेंट, उसे क्या कहा गया है नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस जोन, अदरवाइज जोन ऑफ कंप्लीट। अब यहाँ पे जोन ऑफ कंप्लीट क्यों स्टूडेंट्स कहा गया है, क्योंकि देखो ये कहाँ का पार्ट है, तो सबसे ऊपर वाला आउटर, सबसे बाहर वाला। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो होगा उसे क्या मिल रही होगी, सब वन हो, उसको जो ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा होगा वो क्या होगा सबसे ज्यादा हो रहा होगा, बराबर है, ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा सप्लाई कहाँ पे हो रहा होगा, सबसे बाहर वाले जो ऊपर वाला रीजन दिख रहा है वहां पे क्या हो रहा होगा आपका सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा होगा। और अगर ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छा खासा है स्टूडेंट तो वहां पे क्या हो रहा होगा कंप्लीट कंबशन हो रहा होगा, बराबर है, हमने पढ़ा था कंप्लीट कंबशन, जहां पे अगर आपका क्या हो रहा है सिंपल, अगर कंप्लीट ऑक्सीजन का सप्लाई सफिशियंट अकाउंट पे है स्टूडेंट तो क्या होता है वहां पे कंप्लीट कंबशन क्या होता है परफॉर्म होता है, इसीलिए इसे क्या कहा है जोन ऑफ कंप्लीट, इसे इसीलिए क्या कहा गया है जोन ऑफ कंप्लीट, बराबर है। देखो स्टूडेंट अब ये जो है इसकी प्रॉपर्टी क्या स्टूडेंट, तो ये डायरेक्ट किसके कॉन्टेक्ट में है, एयर के कॉन्टेक्ट में, दैट मीन्स ये ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में है, ये क्या है डायरेक्ट किसके कॉन्टेक्ट में स्टूडेंट, डायरेक्ट किसके कॉन्टेक्ट में है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आप एयर का दो कहो अदरवाइज O2 कहो, एयर कहो अदरवाइज O2 कहो, दैट मीन्स ऑक्सीजन के साथ है, बराबर है, इसीलिए क्या हो रहा है स्टूडेंट यहाँ पे क्या परफॉर्म हो रहा है कंप्लीट कंबशन हो रहा है, क्या हो रहा है कंप्लीट कंबशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई कैसा है सफिशियंट है, ऑक्सीजन का सप्लाई कैसा है सफिशियंट है, अच्छा खासा है स्टूडेंट, इसीलिए वहां पे क्या हो रहा है आपका जो कंबशन है वो क्या हो रहा है कंप्लीट कंबशन क्या हो रहा है वहां पे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, पर इसीलिए स्टूडेंट क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट कंबशन अगर हो गया तो क्या होगा ज्यादा एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी, ज्यादा हीट एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी, इसीलिए ये जो जोन होता है आपका क्या होता है सबसे हॉटेस्ट जोन कहलाता है, क्या होता है हॉटेस्ट जोन होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि कंबशन क्या हो रहा है पूरा क्या हो रहा है यहाँ पे कंबशन परफॉर्म हो रहा है, पूरा आपका जो क्या हो रहा है यहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है, ठीक है। अब ये दिखता कैसे है स्टूडेंट, ठीक है, ये दिखता कैसे है, तो ये होगा आपको ब्लूइश, ठीक है, आपको कैसे दिखेगा थोड़ा सा ब्लूइश होगा, किस तरह से दिखेगा जो फ्लेम होगी वहां पे आपको किस तरह से दिखेगी स्टूडेंट, तो ब्लूइश कलर की दिखेगी, क्या होगी ब्लू कलर की, क्या होगी ब्लूइश कलर की, क्या होते जोन जो होगा आउटर जोन वो थोड़ा सा दिखेगा ब्लूइश कलर, आप लोगों ने देखा भी होगा ब्लूइश कलर का, और ये क्या होता है फेंटली विजिबल, फेंटली मतलब क्या होता है लाइटली विजिबल होता है, क्या होता है लाइटली विजिबल होगा ब्लूइश कलर आपका, ठीक है। तो ये क्या है स्टूडेंट आउटर जोन की कुछ प्रॉपर्टीज है, और ये है आउटर जोन, ठीक है, ये है बाहर वाला जो आपको दिख रहा है सबसे ऊपर वाला जो है, सबसे ऊपर वाला जो होगा ये क्या है आपका आउटर जोन, आउटर जोन की प्रॉपर्टीज क्या है स्टूडेंट यहाँ पे फिर से एक बार बता रहा हूँ, देखो सिंपल आउटर जोन मतलब उसे कहा जाता है क्या नॉन ल्यूमिनस जोन, और दूसरा कहा जाता है जोन ऑफ कंप्लीट। अब ये क्यों कहा स्टूडेंट, इसीलिए कहा क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किसने है किसके साथ है तो ऑक्सीजन के साथ है, एयर के साथ है, और ऑक्सीजन के साथ है दैट मीन्स उसे सप्लाई जो है ऑक्सीजन का वो क्या हो रहा है प्रॉपर हो रहा है, अच्छा खासा हो रहा है, और प्रॉपर अगर सप्लाई होगा ऑक्सीजन का तो दैट मीन्स क्या होगा वहां पे कंप्लीट कंबशन क्या होगा कंप्लीट कंबशन परफॉर्म होगा, और कंप्लीट कंबशन परफॉर्म होगा दैट मीन्स वो क्या होगा सबसे हॉटेस्ट रीजन होगा आपका, वो क्या होगा सबसे हॉटेस्ट रीजन होगा, अगर हॉटेस्ट रीजन है तो वो जो आपको कलर किस तरह का दिखता है स्टूडेंट तो ब्लूइश फेंटली ब्लूइश कलर क्या होगा आपको विजिबल होगा आउटर जोन का, ठीक है, ये था आउटर जोन की प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वाला जोन कौन सा है हमारे मिडल जोन, नीचे आते हैं अब पढ़ते हैं मिडल जोन की प्रॉपर्टी।